सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर गूंज उठा। जनपद हापुड़ के गढ़ क्षेत्र के गांव दतियाना में स्थित प्राचीन भूतेश्वर लाल शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भोर से ही भक्त मंदिर पहुंचना शुरू हो गए, जहां भोले का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह भूतों ने बनाया है। मैं इस गांव की ही रहने वाली हूँ, दतियाना गांव की। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर लाल मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और इस मंदिर के बारे में हम अपनी पिछली पीढ़ियों से बहुत सुनते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे पीढ़ियाँ बढ़ती गईं तो कहानियाँ और निकलती गईं। इस मंदिर के बारे में पहले ये सुना था कि ये मंदिर सिर्फ भूतों ने बनाया है, और लेकिन हम एक रात में, लेकिन जब हमने इसे खुद देखा तो हाँ लगा कि ये भूत ने ही बनाया है, क्योंकि ऐसा अनोखा मंदिर कोई इंसान तो नहीं बना सकता शायद। तो देखा, फिर सुना आगे कि इसकी जो भी ईंटें लगी हुई हैं वो कभी आकर नीचे नहीं गिरी और ना ही किसी को कभी मिली, ना ही इस पर जैसे बारिश में मंदिर पर काई जम जाती है और एल्गी जिसे कहते हैं वो जम जाती है, लेकिन इस पर कभी वो भी नहीं हुआ। तो शायद ये भी एक डिफरेंट पॉइंट लगता है हमें कि ये मंदिर थोड़ा सा अलग है। हाँ, हमने अपने मतलब मन में, इतना प्राचीन मंदिर है वो भी हमारे गांव में, तो हमने अपने मन में भी ये मनोकामना मांगी थी कि अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम ज़रूर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आएंगे, और वो कुछ दिन पहले ही पूरी हुई है। तो इस वजह से हम आज सोमवार का पहला दिन है, इस वजह से यहाँ पर आए हैं। यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है और मंदिर करीब 5,000-5,500 वर्ष पुराना है। कभी महाभारत हुई थी उससे भी पहला, और बताते तो ऐसा है बुजुर्ग, महर्षि दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है ये। महर्षि दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ, उन्होंने ही तपस्या से मंदिर तैयार हुआ, उन्होंने ही बनवाया ये। और बताते तो ऐसा है कि एक रात में बनाया जी ये, और भूतों के द्वारा बनाया गया, किसी ने बनाते हुए नहीं देखा कि किसने बनाया, इसलिए और जब सुबह दिन निकल आया, यानी कि सुबह 3-4 बजे जब कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में अपने गांव में सब व्यक्ति मनुष्य उठने लग जाते हैं इसको करके, तो वो अपना दैनिक कार्य करते हैं। जैसे हमारे घरों में पहले सब औरतें चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, सबके घरों में यही काम होता था। तो वो गौर सुन के, उसकी आवाज़ सुन के वो छोड़ के चले गए, इसलिए इसकी चोटी नहीं बन पाई थी। चोटी उसके बाद में फिर जब बताते हैं कि अधूरा नहीं रहना चाहिए मंदिर, तो गांव वालों के द्वारा जो भी व्यक्ति थे उस समय के, उनके द्वारा चोटी बनवाई गई तो मंदिर पूरा हुआ। अच्छा, ये बता रहा था, ये पुराने बुजुर्ग ये बताते कि जब यहाँ मुसलमानों का शासन था कभी, तो मंदिर गिराए गए थे उस टाइम पर, जो औरंगजेब के द्वारा लूटपाट मचाई गई थी आक्रामक तरीके से, तो इसको भी गिराने आए थे, क्योंकि पुरानी ईश्वर की पुरानी धरोहर है, पुरानी शक्ति है, तो इसलिए नहीं गिरा पाए। कि उसको ये लगा कि इसमें चारों धर्मों का प्रतीक है, उनकी मस्जिद का भी चिन्ह है इसमें, इसमें ईसाइयों का भी प्रतीक है, इसमें गुरुद्वारे का भी, सिखों का भी प्रतीक है, मंदिर ये है ही, तो चारों धर्मों का प्रतीक उन्होंने जब ये देखा तो इसको छोड़ कर चले गए। भक्त तो बहुत बहुत दूर से आते हैं जी। कल भी एक गाड़ी भिवाड़ी राजस्थान से आई है, पिछले नवरात्रों में लोग बॉम्बे से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, और MP से, आज MP से भी आए सुबह लोग। अब आते तो वो है ना जी, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, जो अपना मन्नत मांगते हैं आते हैं, श्रद्धा के साथ में भाव हैं उनके, और उनकी मनोकामना पूरी होती है तो सब प्रसाद चढ़ाने आते हैं। ये बताते हैं कि कभी भूत बनने 5,000 वर्ष पहले की बात है, यहाँ रात को मंदिर बन रहा था, भूतों ने बनाया, सुबह 4 बजे करीब जो चक्की चलाती हैं औरतें, किसी ने चक्की चलाई और मंदिर अधूरा रह गया, चोटी नहीं बन पाई। इसका चोटी का निर्माण बहुत बाद में हुआ, लेकिन ये बताते हैं कि यहाँ जो भी लोग यहाँ आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ, यहाँ उनकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे हमने देखा है जी यहाँ मंदिर में, जब छोटे थे बचपन में, एक तो ये पिंडी है मंदिर के साथ की शिवलिंग, और एक नंदी हुआ करते थे यहाँ पहले, वो खंडित हो गए, चेंज कर दीजिए। तो यहाँ एक ऐसे बोर्ड बना हुआ था, यहाँ एक बोर्ड बना हुआ था, तो ऐसे बताते हैं कि इस बोर्ड बना हुआ था, इस मंदिर का जल कभी मंदिर से बाहर नहीं गया, क्योंकि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में 4 बजे लोग उठ जाते हैं, पहले चक्की हाथों की चलती थी, तो किसी लेडीज ने, किसी औरत ने
रात सुबह को जब नाच पीसा, उठ कर देखा तो जब नाच पीस रही थी तो यहाँ से जो भूत बताते हैं कि भूतों ने बनाया वो यहाँ से भाग गए। और जब यहाँ लोग सुबह को मंदिर में हाथ जोड़ना आए, यहाँ जब देखा कि मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि मंदिर में भोले का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है और CCTV से चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। भोर में ही भक्त अपने घरों से निकले और सावन के पहले सोमवार पर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुँचना शुरू हो गए।